आप सब मानोगे नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़ी चटोरी हूँ, और रात को जब भी मुझे चटपटा डिनर खाने का मन करता है, मैं तो ये बना लेती हूँ। आप भी आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या क्या चाहिए हमें ये बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट ऑयल और घी डाला है, बिकॉज़ घी इज़ गुड फैट। किसी को अगर वेट गेन करना है तो वो बटर भी डाल सकते हैं। पहले हमने इसमें एक तेज पत्ता, जीरा और मस्टर्ड सीड डाले हैं, स्टर कर लिया। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मिर्च और लहसुन। मिर्च थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, अगर बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ा कम ही रखिएगा उसको। फिर इसके बाद हम देंगे गुड क्वांटिटी ऑफ करी पत्ता, क्योंकि इसमें करी पत्ता का फ्लेवर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। फिर हम देंगे डाइस किया हुआ गाजर। पहले हम गाजर देंगे क्योंकि इसको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इसके बाद जाएगा हम सबका बहुत पसंदीदा अनियंस, और फिर से अच्छे से स्टर कर लेंगे। और उसके बाद हम देंगे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न। अब देखिए, बच्चों को वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसमें आपके मन पसंदीदा कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, और मैं आपको दावा करके बता सकती हूँ वो सारे के सारे चट कर जाएंगे। ये इतना अच्छा होता है खाने में। अच्छा, फिर हमने डाल दिया इसमें नमक, अच्छे से भून लेंगे इसको। नमक इस स्टेज पे हमने डाला है ताकि वेजिटेबल्स में अच्छे से इसके अंदर जाए और बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर का क्वांटिटी इसमें फिर से थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट आता है वो ज़्यादातर टमाटर और कड़ी पत्ते से आता है। अब इसमें मैंने डाल दिया है टर्मरिक पाउडर और पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है लेकिन तंदूरी मसाला है, आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन ये अच्छा खासा क्वांटिटी डालना पड़ता है। अच्छा, फिर मैंने डाल दिया है अच्छे से धोया हुआ राइस। ये बॉइल्ड नहीं है, आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है तो वो तो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो आप मसाला बना के वो राइस के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने क्वांटिटी अनुसार पानी दे दिया। अच्छा, फिर से मैंने करी पत्ता दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें करी पत्ता का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये देना मैं देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ढक लीजिए, कुछ देर बाद गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बना के और खा के कैसा लगा। टिल देन, गुड बाय एंड कीप ईटिंग।